हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम हमारा साइन अप फॉर्म और साइन इन फॉर्म का डिजाइन बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा डिजाइनिंग पार्ट शुरू करने से पहले हमें एक छोटा सा करेक्शन करना होगा। हमने यहाँ पे जो लॉगिन एक्टिविटी क्रिएट की थी उसको हमें रजिस्टर एक्टिविटी का नाम देना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से लॉगिन एक्टिविटी दे दिया है। तो हम यहाँ पे उस लॉगिन एक्टिविटी को डिलीट कर देते हैं और उसकी जगह एक नई एक्टिविटी क्रिएट कर देते हैं जिसका नाम हम रखेंगे रजिस्टर एक्टिविटी। तो ये एक छोटा सा करेक्शन है जो हमें करना है। तो यहाँ पे मैंने एक्टिविटी डिलीट कर दी है और अभी एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम रखेंगे हम रजिस्टर एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे हमारी रजिस्टर एक्टिविटी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, सिंपली जो हमने स्प्लैश एक्टिविटी बनाई थी वो ओपन करें और वहां पे जहाँ पे हमने लॉगिन एक्टिविटी डॉट क्लास लिखा था उसकी जगह रजिस्टर एक्टिविटी डॉट क्लास कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हमारी प्रॉब्लम जो मिस्टेक थी उसे सॉल्व कर दिया है। तो अब हम हमारा डिजाइनिंग पार्ट शुरू कर सकते हैं फॉर्म का। तो यहाँ पे हम जो हमारा फॉर्म है वो एक ही एक्टिविटी में हम दोनों फॉर्म प्लेस करेंगे फ्रेगमेंट्स की मदद से। तो यहाँ पे मैं दो फ्रेगमेंट बना लेता हूँ, दोनों ब्लैंक फ्रेगमेंट होंगे। एक फ्रेगमेंट का नाम हम रखेंगे साइन इन फ्रेगमेंट और दूसरे का नाम हम साइन अप फ्रेगमेंट रखेंगे। तो पहले मैं साइन इन फ्रेगमेंट बना लेता हूँ और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, नीचे के दोनों जो चेकबॉक्स है उसे अनचेक कर दीजिए। ओके, तो हमारा साइन इन फ्रेगमेंट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब हम एक और फ्रेगमेंट बना लेते हैं जो कि हमारे साइन अप फॉर्म के लिए होगा। तो सेम प्रोसीजर, वापस से फ्रेगमेंट, ब्लैंक फ्रेगमेंट और यहाँ पे हम नाम रखेंगे साइन अप फ्रेगमेंट और फिर से नीचे के दोनों चेकबॉक्स को अनचेक कर दीजिए। ओके, तो हमारे दोनों फ्रेगमेंट्स रेडी हो चुके हैं। सबसे पहले हम साइन इन फ्रेगमेंट को डिजाइन करेंगे, यानी कि हमारा साइन अप फॉर्म बनाएंगे सबसे पहले हम। अब एक और चीज, यहाँ पे बिल्ड डॉट ग्रेडल या फिर मॉड्यूल ऐप जो है उसे ओपन कीजिए और यहाँ पे जो सपोर्ट है उसकी जगह डिजाइन लिख दीजिए और सिंक कर दीजिए। ओके, तो हमारा सिंक प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब इसे मैं क्लोज कर देता हूं। ओके, तो अब यहां पे डिजाइन टैब पे चाहिए। अब हमारे फॉर्म का डिजाइन देखते हैं। तो ये है हमारा साइन इन फॉर्म। तो हमें सबसे पहले ये एक क्रॉस बटन चाहिए जो कि क्लोज बटन होगा। तो इसे मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूं एंड्रॉइड स्टूडियो में। ओके, तो यहां पे मैंने इंपोर्ट तो कर लिया है सक्सेसफुली। इस टेक्स्ट को भी मैं डिलीट कर देता हूं। ओके, तो हमारा यहाँ पे अभी फ्रेगमेंट है रेडी। तो अब हम डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये रेड बैकग्राउंड चाहिए। तो इस व्हाइट बैकग्राउंड को हम रेड में कन्वर्ट करने के लिए हम जाएंगे सिंपली टेक्स्ट टैब पे और यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट ऐड करेंगे जो कि होगा बैकग्राउंड। ओके, तो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली बैकग्राउंड एकदम सेट कर दिया है। अब सेकेंड चीज जो है वो है इमेज बटन, जो कि वो रेड क्रॉस, ये व्हाइट क्रॉस बटन था, वो हमें प्लेस करना है। सबसे पहले तो हमें कांस्टेंट लेआउट सेट करना पड़ेगा। तो हम एक कांस्टेंट लेआउट सेट करेंगे जिसकी हाइट और विड्थ हम मैच पैरेंट दे देंगे। अब उसके अंदर हम इमेज बटन बनाएंगे जिसकी हाइट और विड्थ हम रैप कंटेंट देंगे।
उसके बाद हम पैडिंग दे देंगे 16 dp। हम पैडिंग इसलिए दे रहे हैं ताकि जो बटन की साइज हो वो थोड़ी बड़ी रहे, जिससे कि यूजर को क्लिक करने में आसानी हो, कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसलिए हम पैडिंग दे देंगे 16 dp। अब हमें एक और एट्रीब्यूट देना है बैकग्राउंड, जो इसको हमें ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड एट्रीब्यूट दे देंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे बटन एकदम सक्सेसफुली बना लिया है हमने। अब हम इसे कॉन्स्टेंट लेआउट है, इसमें डिजाइनिंग काफी इजी हो जाती है। हमें सिंपली इसे राइट साइड और अप साइड कंस्टेंट दे देने हैं। और यहाँ पे हमें मार्जिन 0 कर देना है। ओके, तो आप देख सकते हैं हमने एकदम अच्छे तरीके से हमारा जो क्रॉस बटन है वो बना लिया है। अब जो नेक्स्ट थिंग आती है वो है हमारा लोगो। तो हम एक इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और यहाँ पे लोगो हमारा सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो अब हमें यहाँ पे उसे वर्टिकल बायस दे देना है, जो कि हम 20 के आसपास रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा लोगो भी हमने प्लेस कर दिया है एकदम अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो है ईमेल फील्ड। तो हम ईमेल फील्ड को यहाँ पे टेक्स्ट में जाके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं कॉन्स्टेंट लेआउट में डिजाइनिंग काफी इजी हो जाती है, तो इसलिए मैंने कॉन्स्टेंट लेआउट ही प्रिफर किया है डिजाइनिंग के लिए। तो ठीक है, यहाँ पे हम राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड मार्जिन 16 dp दे देंगे और जो विड्थ है उसे मैच कॉन्स्टेंट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम वापस से टेक्स्ट टैब में चलते हैं और थोड़ा और कस्टमाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो एडिट टेक्स्ट दिख रहा है वहां पे हम थोड़े और एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे। तो अब हम यहाँ पे एक हिंट एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, जिसमें हिंट होगा ईमेल आईडी। उसके बाद ये हिंट का कलर हम देंगे, जो कि #70FFFF। यहाँ पे जो 70 है वो उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए है और FFFF जो है वो व्हाइट कलर है। ओके, तो बैकग्राउंड टिंट भी दे देंगे। ये बैकग्राउंड टिंट क्या होता है, बैकग्राउंड टिंट की मदद से जो नीचे जो लाइन होती है उसका कलर हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उसका भी सेम कलर दूंगा, 70% ट्रांसपेरेंसी और FFF यानी कि व्हाइट। तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड टिंट भी दे दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर, ये जो नीचे की जो लाइन है वो भी सेम कलर की मैंने कर दी है। तो हम न्यू फील्ड एक और ऐड करते हैं, जो कि होगी पासवर्ड फील्ड, जिसे भी मैं ईमेल के साथ कंस्ट्रेंट करूंगा और राइट और लेफ्ट कंस्ट्रेंट कर दूंगा। सेम राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड मार्जिन 16 dp रखेंगे। विड्थ जो है वो मैच कंस्ट्रेंट कर देंगे। वापिस से टेक्स्ट टैब पे चलते हैं और यहाँ पे भी सेम एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं। सबसे पहले हिंट एट्रीब्यूट, जिसमें होगा पासवर्ड, उसके बाद हिंट का कलर भी सेम, एंड सेम बैकग्राउंड टिंट। ओके, तो हमारी पासवर्ड फील्ड भी रेडी हो चुकी है। इसे हम ऊपर से 32, दोनों को ऊपर से 32 मार्जिन दे देंगे, 32 dp। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चीज जो आती है वो है टेक्स्ट व्यू, जो कि पासवर्ड के नीचे होगा, जिसे हम फॉरगेट पासवर्ड के तरीके के यूज करेंगे। ठीक है, तो इस टेक्स्ट व्यू को सबसे पहले कंस्ट्रेंट कर देते हैं पासवर्ड के साथ। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लेफ्ट साइड भी पासवर्ड के साथ ही कंस्ट्रेंट कीजिए, ताकि ये आसानी रहेगी।
अलाइनमेंट में। ऊपर से जीरो ओडीपी मार्जिन दे दीजिए, आप देख सकते हैं यहां पे टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू को थोड़ा सा हमें राइट साइड लाना पड़ेगा। ओके, तो हम इसे फिर से सिलेक्ट करते हैं और लेफ्ट साइड से हम 4 dp मार्जिन दे देते हैं। ओके, तो हमने एकदम अच्छी तरीके से अलाइन कर दिया है हमारे टेक्स्ट व्यू को। अब हम इसे कस्टमाइज करते हैं, तो वापस से टेक्स्ट टैब में चलते हैं। और यहां पे हम सबसे पहले कलर दे देते हैं, जो कि होगा व्हाइट, यानी कि कलर एक्सेंट हमारा। ओके, तो व्हाइट कलर हमने दे दिया है। अब यहां पे हम टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, जो कि होगा फॉरगॉट पासवर्ड। ओके, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड भी एकदम अच्छे तरीके से डिजाइन कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है वो है बटन, हमें बटन यानी कि साइन इन बटन बनाना है, तो हम बटन भी यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। इसे भी राइट और लेफ्ट साइड कंस्ट्रेंट करते हैं और ऊपर ये फॉरगॉट पासवर्ड के साथ कंस्ट्रेंट करेंगे। इसे नीचे भी हम कंस्ट्रेंट कर देते हैं ताकि ये एकदम सेंटर में रहे, फॉरगेट पासवर्ड और एक बॉटम के एकदम सेंटर में। अब दोनों साइड हम सेम 16 dp मार्जिन देंगे, जैसे हमने टेक्स्ट फील्ड्स में दी थी, और विड्थ जो है वो मैच कंस्टेंट दे देंगे। तो अब हम इसे कस्टमाइज करते हैं, तो वापस से टेक्स्ट टैब में चलते हैं और यहां पे सबसे पहले तो जो बटन होगा उसमें हम टेक्स्ट देंगे साइन इन। उसके बाद यहां पे हम जो टेक्स्ट ऑल कैप्स होगा उस एट्रीब्यूट को हमें फॉल्स करना है। इससे क्या होगा कि जो सारे लेटर जो कैपिटल में थे वो अब सारे लेटर कैपिटल में नहीं होंगे, जो जैसा हमने लिखा होगा वैसा ही एज इट इज हमें दिखेगा। ठीक है, तो अब हम एक और एट्रीब्यूट यहाँ पे कलर्स पे जाएंगे और एक नया कलर ऐड करेंगे बटन कलर के नाम से। तो यहाँ पे हम नाम रखेंगे बटन कलर या फिर बटन रेड। ओके, तो यहाँ पे हमने एक और कलर ऐड कर लिया है colors.xml में। अब हम उस कलर को बैकग्राउंड में सेट कर देंगे बटन के, जो कि होगा बटन रेड। ओके, तो हमने बटन का बैकग्राउंड कलर सेट कर लिया है। अब हम टेक्स्ट कलर सेट कर लेते हैं, जो कि था व्हाइट, यानी कि कलर एक्सेंट। तो आप देख सकते हैं हमने हमारा बटन भी एकदम रेडी कर लिया है एज पर जैसा हमारी डिजाइन थी। अब हमें एक और टेक्स्ट व्यू चाहिए, उसे भी हम सबसे पहले कंस्ट्रेंट कर लेते हैं। यहां पे हम चेंज कर देते हैं और के साथ, ये टेक्स्ट जो है वो हमारा और का टेक्स्ट है। और यहां पे सेम कलर दे देते हैं हम व्हाइट कलर एक्सेंट। हम बॉटम कंस्ट्रेंट हटा देते हैं और ऊपर 16 dp मार्जिन दे देते हैं। तो
तो हम एक और टेक्स्ट व्यू अब वापस से ऐड करते हैं, इसको हम कंस्ट्रेंट करते हैं और के साथ, फिर नीचे कंस्ट्रेंट करते हैं बॉटम में, और राइट और लेफ्ट साइड भी कंस्ट्रेंट कर देते हैं। ठीक है, तो हम टेक्स्ट टैब पे चलते हैं और वापस से यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को हम टेक्स्ट चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम ऐड लिखेंगे, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे डोंट हैव एन अकाउंट। साइन अप, ओके। फिर यहां पे हम टेक्स्ट कलर चेंज कर देते हैं जो कि सेम व्हाइट कलर। अब हम वापस से डिजाइन टैब में चलते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब हमें यहां पे थोड़ा सा चेंजेस करना है, ओके। तो हम जो टॉप कंस्ट्रेंट है उसे हटा लेते हैं, और ये और का जो बॉटम कंस्ट्रेंट था उसे हम नीचे वाला जो टेक्स्ट व्यू है उससे हम कंस्ट्रेंट कर देते हैं, और जो नीचे वाला टेक्स्ट व्यू था उसे हम नीचे से 24 डीपी मार्जिन दे देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं काफी अच्छा लग रहा है एकदम। ओके, तो हमारा डिजाइन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है साइन इन फॉर्म का। हमें और दो चीजें ऐड करनी है, इसे हम और के टॉप के साथ ही कंस्ट्रेंट कर देंगे। यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे और के साइड के साथ एक और विजिट ऐड करेंगे, इसे भी सेम चीज करेंगे और के साथ कंस्ट्रेंट कर देंगे तीनों साइड से, और राइट साइड जो है वो बटन के साथ कंस्ट्रेंट कर देंगे, और विड्थ जो है उसे हम पहले 40 डीपी देते हैं ताकि थोड़ी आसानी रहे कंस्ट्रेंट करने में। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रेंट कर लिया है, अब इसे भी हम मैच पेरेंट या मैच कंस्ट्रेंट दे देंगे विड्थ। ओके, तो अब हम टेक्स्ट टैब में चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें बैकग्राउंड चेंज करना है, तो बैकग्राउंड हम वही व्हाइट देंगे जो कि था हमारा कलर एक्सेंट। यहाँ पे भी सेम बैकग्राउंड कलर, कलर एक्सेंट। ओके, तो हमने बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया है, तो आप देख सकते हैं हमारा साइन इन फॉर्म रेडी हो चुका है। ये लाइंस काफी बड़ी दिख रही है, तो मुझे लगता है इसे थोड़ा सा छोटा कर देना चाहिए। ओके, तो हम इस लाइंस को और थोड़ा सा विड्थ छोटा कर देते हैं। तो एक काम करते हैं हम इसे, ओके, तो एक काम करते हैं इसका जो लेफ्ट कंस्ट्रेंट है उसे हम हटा देते हैं, और इसके विड्थ हम दे देते हैं 100 डीपी। ओके, सेम चीज इसके साथ भी करेंगे, इसका राइट कंस्ट्रेंट हटा देते हैं
और इसकी विड्थ भी हम दे देते हैं 100 dp। ओके, तो अब हमारा फॉर्म एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है, हमारा साइन इन फॉर्म एकदम रेडी है। ये पूरा हमने फ्रैगमेंट के अंदर डिजाइन किया है। अब हम सबकी आईडीज दे देते हैं। तो जो क्रॉस बटन है उसकी आईडी हम देंगे, साइन इन क्लोज बटन। ओके, तो हमने इसकी आईडी साइन इन क्लोज बटन दे दी है। इसकी साइन इन ईमेल आईडी या फिर साइन इन ईमेल, ओके साइन इन ईमेल, यस। साइन इन पासवर्ड, यस। साइन इन फॉरगॉट पासवर्ड, साइन इन बटन। ओके, फिर हमें ये और को आईडी देने की जरूरत नहीं है। तो अब हम ये जो नीचे वाला टेक्स्ट व्यू है इसे हम आईडी देंगे। ओके फाइन, इसकी आईडी हम देंगे टीवी यानी कि टेक्स्ट व्यू डोंट हैव एन अकाउंट। ओके, तो हमने सबकी आईडीज भी सेट कर दी है। तो अब हमारा साइन इन फॉर्म रेडी है। आप देख सकते हैं जैसी हमारी डिजाइन थी वैसा ही हमने एकदम परफेक्ट डिजाइन बनाया है। हम थोड़ा सा ये बटन का जो टेक्स्ट है उसकी साइज बढ़ा देते हैं, काफी छोटी लग रही है। ओके, तो हम वापस से टेक्स्ट टैब में चलते हैं और यहाँ पे जो बटन था उसका हम टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं। तो एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे टेक्स्ट साइज और यहाँ पे हम टेक्स्ट साइज दे देंगे 16 sp। ओके, तो अब हमारा एकदम रेडी हो गया है, अब एकदम परफेक्ट दिख रहा है। तो अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। और अब हम डिजाइन करेंगे हमारा साइन अप फॉर्म। तो यहां पे दोस्तों हमें जो सेम प्रोसीजर करनी है जो कि हमने साइन इन फॉर्म में की, तो मैं इसे थोड़ा सा तेजी से कर लेता हूं।
ओके, तो सर अब हम यहाँ पे सबके आईडी सेट कर देते हैं। इसकी आईडी हम देंगे साइन अप क्लोज बटन। उसके बाद ईमेल आईडी की फील्ड जो है उसकी आईडी हम देंगे साइन अप ईमेल। यहां पे हम आईडी देंगे साइन अप फुल नेम। उसके बाद पासवर्ड, तो इसकी आईडी हम सेम साइन अप पासवर्ड। अगेन नेक्स्ट साइन अप कंफर्म पासवर्ड। डन, फिर नेक्स्ट बटन साइन अप बटन, तो इसकी आईडी भी हम देंगे साइन अप बटन। उसके बाद नीचे जो टेक्स्ट था हमारा एकदम लास्ट वाला टेक्स्ट व्यू, उसको हम देंगे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। टेक्स्ट व्यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। ओके, तो हमने सबकी आईडीज भी एकदम सक्सेसफुली सेट कर ली है और यहाँ पे हमारा साइन इन फॉर्म भी रेडी हो गया है, सॉरी साइन अप फॉर्म भी रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं हमारे दोनों फॉर्म एकदम अच्छे तरीके से डिजाइन हो चुके हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये दोनों फॉर्म्स को फ्रेगमेंट के अंदर जो हमने डिजाइन किए हैं, ये दोनों फ्रेगमेंट्स को हम हमारे रजिस्टर एक्टिविटी में प्लेस करने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।